सब्सक्राइब कीजिए मैथ इन सेकेंड्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को और पाइए मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स की जानकारी सबसे पहले आप तक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ इन सेकेंड्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो दोस्तों आपके जो एग्जाम वगैरह में इसके जो क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट और लॉस के, उसमें कई बार ऐसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बारीकियां या कुछ ऐसे आपके टिप्स जिनसे आप चंद सेकंड्स में उनको सॉल्व इजीली कर पाएंगे। तो आइए जानने के लिए चलते हैं हमारे मैथ बोर्ड की। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस के बेसिक के बारे में। तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का यदि आपको बेसिक जानना है तो आपको चार शब्दावली होंगी जिन्हें आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या है। फर्स्ट होता है क्रय मूल्य, दूसरा है आपका विक्रय मूल्य, तीसरा लाभ और चौथा है हानि। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताते कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब है कि जिस मूल्य पर आपने किसी भी वस्तु को खरीदा है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य होता है कि खरीदी गई वस्तु को या किसी भी वस्तु को आप जिस दाम पर बेचते हैं वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है। और लाभ या हानि ये आपको कैसे पता चलेगी? तो लाभ का मतलब है कि यदि आपका क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे? क्रय मूल्य से, तो आपका लाभ होता है। और यदि आपकी हानि हो रही हो तो इसका मतलब है कि आपका क्रय मूल्य तो ज्यादा है लेकिन आपका विक्रय मूल्य कम है। तो दोस्तों ये चार शब्दावली, ये आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक समझने में। अब हम लेते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसका एक बेसिक क्वेश्चन लिया है कि राम ने एक साइकिल 1600 रुपए में खरीद कर उसे 2000 में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है। दोस्तों इसमें आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपए, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है कितना? 2000 रुपए। अगर आप 2000 में से 1600 घटा देते हैं तो आपको क्या बचता है? लाभ बचेगा। लाभ कितना है? 400। लेकिन आपको निकालना है प्रतिशत में, तो आप उसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का सूत्र आपका बता दूं सबसे पहले कि लाभ या हानि जो भी हो रही हो बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें हो रहा है लाभ, लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 400 रुपए का। तो 400 बटा क्रय मूल्य कितना मारा? 1600। तो 1600 गुणा 100, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे और इसको हम इससे काटेंगे तो 16 × 32 बचा 8 और 16 × 5 = 80, यानी कि 25% जो हो रहा है आपको इसमें लाभ हो रहा है। तो यदि मान लीजिए दोस्तों यहाँ तो आपके पास लाभ है, अगर हानि होती तो आप क्या करते? तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे 2000 की जगह यहाँ पर है आपके पास 1200 रुपए, 1200 रुपए में उसको बेच दिया तो लाभ का लाभ नहीं होगा, फिर आपके पास क्या होगा? फिर आपकी हानि होगी। तो हानि का आपको प्रतिशत निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? सूत्र अब भी वही रहेगा, पहले यहाँ पे हमने लाभ लिया था, हानि ले लेंगे। तो हानि है 1600 में से 1200 घटाए तो कितना? 400। तो दोस्तों यहाँ पे हम लाभ की जगह हानि लिख दी कितनी? 400 रुपए बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास कितना? 1600 रुपए गुणा 100। तो दोबारा हम दो जीरो से दो जीरो काट देते हैं। अब 400 में 16 का भाग देंगे तो अब भी 25% ही आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले तो जो था आपके पास लाभ आ रहा था 25%, अब आपके पास 25% हानि आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपके पास जो सिंपल क्वेश्चन जो होता है उसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और लेते थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन लिया है इसमें कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों इसमें आपको एक लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा इसमें फर्क हो जाता है कि आपसे यहाँ पे कहा गया कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती क्या करते हैं इसमें? वो गलती ये करते हैं कि इसको तो क्रय मूल्य मान लेते हैं और इसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं, जबकि इसमें रिवर्स हो जाता है। इसमें अगर ऐसी आपको लैंग्वेज दी गई है इसका मतलब
यहाँ जो दूसरे नंबर पे जो आपको संख्या दी गई है वो तो होगी आपका क्रय मूल्य, और पहले पे जो दी गई होगी वो होगा आपका विक्रय मूल्य। सूत्र अब भी आपका वही लगेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लाभ या हानि कितना आपका आएगा, 25 में से 20 गया तो 5 बटा में हमने क्रय मूल्य माना है इसको, तो यहाँ पे 5/20 गुणा 100 कर दीजिए। तो 5 से 100 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 × 20। अब 4 से 100 को काट देते हैं तो 4 × 8 और 4 × 20 25, यानी कि 25% तो आपका आ गया। आपको लाभ या हानि इसमें निकालना, आपको ये निकालना है कि इसमें लाभ आ रहा है कि हानि आ रहा है। तो आप इसको कैसे गैस करेंगे, वो ऐसे कि यदि आपके पास ये 5 माइनस में होता यानी कि ये वाली संख्या बड़ी होती तो इसका मतलब आपके पास हानि होती, लेकिन अभी धनात्मक है यानी कि ये विक्रय मूल्य है जो आपका ये बड़ा है, तो इसका मतलब 25% आपका लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमने लिया है एक अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1410 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 6% की हानि होती है, तो बताइए वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो दोस्तों आपसे कहा गया है कि अगर आप इतनी धनराशि में एक वस्तु को बेचते हैं तो आपको 6% की हानि होती है। अब आपको चाहिए लाभ कितना, 10% का, तो उसे आप कितने रुपए में बेचेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले वाला जो प्रतिशत आपको दिया हो जो इससे कनेक्टेड हो, यानी कि इस धनराशि में बेचने पर किसी व्यक्ति को लाभ या हानि कुछ भी हो रहा हो, उसे 100 में से माइनस या फिर प्लस आप कर दीजिए। माइनस जब करेंगे जब आपके पास हानि होती है, और प्लस करेंगे यदि आपके पास लाभ हो रहा हो। फिलहाल आपको हानि हो रही है कितनी, 6% की, तो 100 में से हम 6 घटाए थे, कितना बचेगा, 94। 94%, इसका मतलब 94% जो है ये 1410 रुपए की धनराशि के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये मान लिया। अब आपको क्या कहा गया कि आपसे कहा गया है कि 10% का लाभ हो तो आपको कितने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। तो 10% का लाभ के लिए भी आपको 100 में 10% को ऐड करना होगा, यानी कि दूसरी धनराशि आपको प्लस या माइनस जिसमें भी दी हुई हो तो उसे आपको 100 में प्लस या फिर माइनस करके यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास लाभ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 में 10 को जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 110। अब हम इसमें भाग दे लेंगे तो 94 का एक बार भाग जाएगा पहले, फिर जाएगा 5 बार, तो 15 को हम 11 से गुणा कर 110 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका आएगा 1650 रुपए, यानी कि आपको 10% का लाभ यदि आप चाह रहे हैं तो आपको उस वस्तु को 1650 रुपए में बेचनी होगी। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने एक अलग तरह का क्वेश्चन इसमें लिया है कि एक वस्तु को 20% हानि से बेचा गया, यदि उसे 112 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 8% लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें कहा गया कि 20% हानि से तो पहले बेचा गया था, और यदि आप उसको 112 अधिक में बेचते हैं तो आपको 8% का लाभ होता है, यानी कि 20% हानि और 8% लाभ कवर हो जाते हैं किसमें, इस रुपए में, यानी कि इस धनराशि में। तो दोस्तों देखिए हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हानि है यहाँ पे लाभ है, पर यदि यहाँ पे लाभ हो यहाँ पे भी लाभ ही होता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तब भी जोड़ना होता, और यदि दोनों जगह हानि होती तब भी आपको ये संख्याएं जोड़नी होती। तो हम जोड़ देंगे, 20 + 8 होता है 28, और ये 28% जो है कितने रुपए कवर कर रहा है, 112। तो देखिए इसके बराबर लिख देंगे हम इसको, 28 के बराबर गुणा 112, और आपको 100% का निकालना है तो 100 आप ऊपर रख दीजिए। अब हम इसको काट लेंगे तो ये कटेगा 4 बार, 28 × 112। अब 100 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितनी क्या आएगा, 400, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 400 रुपए। तो आपने देखा दोस्तों कैसे इजीली हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है
कि यहाँ पर जो भी प्रतिशत होंगे उनको जोड़ना है और उसके बराबर में जो भी धनराशि आपको दी गई है उसको लिखना है। तो दोस्तों हमने एक और अलग तरह का इसमें क्वेश्चन लिया है कि दो रेडियो में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपए है, यदि पहले रेडियो पर 20% हानि और दूसरे रेडियो पर 25% लाभ हुआ तो कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। दोस्तों स्टूडेंट जो इसमें अक्सर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो 25% लाभ में से 20% हानि हटा देते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि 5% लाभ इसमें टोटल हो रहा है, पर दोस्तों ऐसे नहीं होता। इसको करने की ट्रिक एक मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा उसी ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। ट्रिक है दोस्तों 2 × 100 में से हानि पहले घटाएंगे इसमें, तो हानि है हमारी 20%, तो 100 माइनस हानि कितनी 20% गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ कितना आ रहा है दोस्तों आपको इसमें 25%, तो यहाँ कर देंगे 100 प्लस 25 बटा में ये वाली संख्या है, ऐसे कि ऐसे उतार देना है पर इसको यहाँ पे प्लस में कर देना है, तो 100 माइनस 20 प्लस 100 प्लस 25। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है, तो देखिए दोस्तों 100 में से 20 गया तो क्या बचा 80, तो 2 × 80 × 100 + 25 होता है 125 बटा में 100 में से 20 गया तो 80 और 100 + 25 125, तो 80 + 125 हम करेंगे तो ये आएगा 205। अब इसको हम काट लेंगे दोस्तों, 25 से पहले इसको काटेंगे, सॉरी 5 से काटेगा तो 5 × 10 और 5 × 25, फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 × 20 और 5 × 5। अब आगे नहीं कटेगा, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 को 80 से गुणा करेंगे 160, 160 को 25 से गुणा करेंगे तो दोस्तों अब आप इसको गुणा कर लीजिए और 2 को 80 से करेंगे तो आएगा 160, 160 को हम 25 से गुणा करते हैं तो ये आपका आएगा 10000 बटा में 41। अब आप इसको सोल्व करिए तो 41 इसको काटेंगे तो 2 41 × 82 पॉइंट बचेगा 18, 18 का 1 0 है तो 180, फिर 41 का 4 बार जाएगा 164, फिर बचेगा 16, 160 हो जाएगा, 160 फिर जाएगा 41 का भाग 3 बार, यानी कि ये आपका आएगा 2.43। यहाँ तक तो दोस्तों आ गया, पर आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें लाभ है या हानि है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 2% दिए हुए हो, एक हानि में है और एक लाभ में हो, तो ऑलवेज आपको हानि ही होगी। तो यहाँ पे जो 2.43% है ये आपकी क्या होगी दोस्तों, ये आपकी होगी हानि। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी। अब हम लेते हैं एक नया क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। तो दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, अलग है क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन में जो था आपके पास यहाँ और यहाँ जो 2% है दोनों अलग अलग हो रहे थे, दोनों में लाभ हानि थी लेकिन दोनों अलग अलग थी संख्या दोनों की, पर इस वाले क्वेश्चन में आपको लाभ और हानि जिसमें भी हो रही है दोनों पे एक ही संख्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर जो भी संख्या लिखी है उसका आपको मैटर नहीं करना है, यानी कि उसका आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल ये देखना है कि यहाँ पे अगर यदि एक जैसी संख्या अगर आपको दी हुई हो तो आपको जो सूत्र लगाना है बता देती हूँ। सूत्र आपको लगाना है एक्स बटा 10 का स्क्वायर, तो एक्स होगी आपके पास जो भी संख्या है यहाँ पे और 10 आपको लिखना है, उनका स्क्वायर कर देना है। और हाँ एक बात और, यदि आपके पास यहाँ पे लाभ और यहाँ पे हानि दे रखा हो और दोनों की संख्या एक हो तो भी आपको हमेशा हानि ही होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों हम करते हैं इसको सॉल्व, तो एक्स की जगह में क्या लिखना है 20 बटा 10 का स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि यदि आप मेरी लाइक वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हमने x की जगह इसका मान रख दिया 20 बटा 10, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना 400 बटा 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए बचा 4%। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि संख्या समान हो और एक तरफ लाभ हो रहा और एक तरफ हानि हो रही हो तो आपको हमेशा हानि ही होगी, जो कुल लाभ या हानि होगी उसमें आपको क्या होगी दोस्तों हमेशा
हानि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कितना, 4% हानि। और ऐसे ही आप जो भी क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को कीजिए शेयर और इसको कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। पर यदि आपको कोई भी सवाल या कोई सुझाव है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कीजिए कमेंट। अगली वीडियो फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए वंदे मातरम।